तो टुडेज़ टॉपिक इज़ डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था, वैसे ही हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। अब हमने एक एग्जांपल लिया डेसिमल नंबर 380, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो इस डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने सक्सेसिव डिवीज़न बाय टू किया था, ठीक है। जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बाय डबल लेवल मेथड में, तो ऐसे ही इसमें 8 से डिवाइड करेंगे। उसमें 2 से क्यों डिवाइड किया था? उसमें 2 से इसलिए डिवाइड किया था क्योंकि वो बाइनरी में कन्वर्ट करना था। बाइनरी की बेस जो होती है वो 2 होती है। अब इस डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल की बेस 8 होती है, इसलिए 8 से सक्सेसिव डिवीज़न करेंगे इस डेसिमल नंबर का। तो 380 को हम 8 से अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या आया? 47, और रिमाइंडर जो है साइड में राइट करते जाएंगे। रिमाइंडर कितना लेफ्ट हुआ? 4। अब 8 से दोबारा से डिवाइड करेंगे, इसका क्वेश्चन कितना आया? 5, और रिमाइंडर कितना आया? 7। अब 8 से दोबारा से डिवाइड करेंगे, और जब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता। अब क्वेश्चन जो है 0 आ गया और इसका जो रिमाइंडर है 5 लेफ्ट हो गया, इसके आगे डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट में क्वेश्चन आता है वो इसका MSD होता है, मींस मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर है यही इसका जो है ऑक्टल कन्वर्जन होता है डेसिमल नंबर का। जैसे इसमें 380 का ऑक्टल कन्वर्जन क्या हो गया? 574। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? 380 इज इक्वल टू का जो ऑक्टल कन्वर्जन है वो क्या होगा? 574। मींस बॉटम टू टॉप जो होगा वो हम जाएंगे इसका ऑक्टल नंबर लिखने के लिए। अब हम एक नंबर लेते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी हो। तो जैसे हमने एक नंबर लिया 452.93, जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया था डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को, वैसे ही हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में भी उसी मेथड से। तो उसके अंदर हमने क्या किया था, 452 जो है इंटीजर पार्ट है डेसिमल नंबर का, तो हमने इसको अलग सॉल्व किया था, और जो फ्रैक्शन पार्ट है मीन्स 0.93 जो इस नंबर का पार्ट है उसको हम अलग से फाइंड करेंगे इसका ऑक्टल कन्वर्जन। तो जो इंटीजर पार्ट है उसका जो ऑक्टल कन्वर्जन होगा सेम सक्सेसिव डिवीजन बाय 8 ही होगा, जैसे हमने अभी इसका किया है 380 का। तो हम करते हैं इंटीजर पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। इंटीजर जो पार्ट है मींस 452, उसका हम ऑक्टल कन्वर्जन करते हैं फर्स्टली। तो ये कितना हो जाएगा? 8, और रिमाइंडर यहाँ साइड में लिखते जाएंगे जैसे अभी हमने अबव क्वेश्चन में किया था। तो 452 और का क्वेश्चन कितना आएगा? 56, और रिमाइंडर कितना आएगा? 4। और फिर दोबारा से 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 7 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब जो है फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, और जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आता तब तक हमें डिवीज़न करना होता है, तो इसलिए 0 आ गया। अब यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, उसका जो रिमाइंडर हुआ वो 7 लेफ्ट हुआ। तो इसकी जो MSD अभी मैंने बताया था वो बॉटम में है, जो लास्ट रिमाइंडर आता है वो जो होती है वो MSD होती है, इसके मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 452 का जो है ऑक्टल नंबर क्या हो गया? 704। अब हम जो है फ्रैक्शन पार्ट का निकालते हैं, मींस 0.93 का ऑक्टल नंबर। जैसे हमने फ्रैक्शन पार्ट का बाइनरी नंबर फाइंड किया था डेसिमल टू बाइनरी में, तो वैसे ही हम उसके अंदर हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था, जो फ्रैक्शन नंबर है उसका 2 से मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है। उसका इंटीजर पार्ट हम साइड में राइट करते गए थे, तो इसके अंदर हम क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है इसको, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके फ्रैक्शन पार्ट को। मीन्स ये क्या हो जाएगा? 0.93 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर कितना आया? 7.44। और इसका जो इंटीजर पार्ट है वो क्या है? दिस इज 7, 7 यहाँ राइट कर देंगे।
और जिसका फ्रैक्शन पार्ट है मीन्स 0.44, इसका मल्टीप्लाई अगेन जो है 8 से करेंगे, तो आंसर कितना आया 4.16। अब फिर से इंटीजर पार्ट इसका 4 आया, तो 4 को अलग राइट कर लिया, और जो फ्रैक्शन पार्ट है मीन्स 0.16, अब इसको अगेन जो है मल्टीप्लाई बाय 8 कर लिया, तो आंसर कितना आया 1.28। अब 1 जो इंटीजर पार्ट है इसलिए यहाँ राइट कर दिया, और 0.8 जो है वो यहाँ कर लेंगे, इसको दोबारा से मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। हमें कहाँ पर स्टॉप होना होता है इसके अंदर, जब हमें फ्रैक्शन पार्ट जो है हमारा 0-0 हो जाएगा, जो हमने मल्टीप्लाई बाय 8 करके जो किया है उसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 0.00 हो जाएगा, वहीं पर ये जो मल्टीप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि 1.28 आया 0.16 मल्टीप्लाई बाय 8 करके, और 0.28 जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको फर्दर हम मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, फिर भी जो है जो इसका फ्रैक्शन पार्ट अगेन आएगा मल्टीप्लाई करके वो कहीं पर भी 0-0 नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर दूँगी, बिकॉज़ इट इज़ अप टू माई डिज़ायर एक्यूरेसी। ये 741 जो हो जाएगा ये इसका ऑक्टल नंबर हो जाएगा 0.93 का, ठीक है। तो इसके अंदर MSD जो होती है वो टॉप में होती है, टॉप पर MSD होती है, ठीक है। तो 0.93 का क्या हो जाएगा ऑक्टल कन्वर्जन 452.93 जो नंबर था डेसिमल नंबर, तो इसका ऑक्टल कन्वर्जन हम एक साथ राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो 452 का हमने ऑक्टल नंबर क्या फाइंड किया है 704, तो 704 पॉइंट और 0.93 का हमने ऑक्टल नंबर 741 फाइंड किया है, तो ये कितना हो जाएगा 0.741, तो ये इसका ऑक्टल कन्वर्जन हो जाएगा 452.93 का। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।